कोरोना काल में भी अदालतों के चक्कर बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। 20 साल पुराने काला हिरण मामले में दोषी ठहराए गए सलमान खान को लेकर जोधपुर कोर्ट के जज ने आज न्याय आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि दरअसल फेमस काकानी हिरण शिकार मामले में ACGM ग्रामीण कोर्ट की 5 साल की सजा के खिलाफ सलमान खान की अपील व आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील सहित मामलों पर सोमवार को एक सेशन न्यायालय जिला जोधपुर में सुनवाई हुई। इस दौरान सलमान की ओर से उनके वकील हस्तिमल सारास्वत कोर्ट में मौजूद थे। इसके अलावा सरकार की ओर से PP मगाराम कोर्ट में मौजूद थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 28 सितंबर के समय मुकरर किया। वहीं आपको बता दें अब मामले पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने आगामी सुनवाई के दौरान आरोपी सलमान खान को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सलमान खान कोर्ट में पेश होंगे या नहीं ये तो समय बताएगा। हालांकि सलमान खान का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोर्ट ने सलमान खान को तलब किया है वो कोर्ट में हमेशा ही शामिल हुए हैं, हमेशा ही वो कोर्ट में पेश हुए हैं। आपको बता दें दरअसल फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकणी गांव गोड़ा कृष्ण फार्म और भवाद में हिरण शिकार के आरोप अभिनेता सलमान खान पर लगे थे। इसके अलावा इस मामले में फिल्म एक्टर सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बांद्रे व दुष्यंत सिंह मामले में सह आरोपी होने के आरोप लगे थे। वहीं आपको बता दें कि ये मामला कोर्ट में काफी सालों से चल रहा है, लेकिन कोर्ट अब तक कोई फैसला नहीं ले चुकी है। वहीं पर जब से सलमान खान का ये केस इस कोरोना वायरस में फिर से सामने आया है, लोगों का गुस्सा सलमान खान को लेकर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट जाग गई, अब सजा सलमान खान को भी होनी चाहिए। कब तक सलमान खान ऐसे ही इस मामले को टाल मटोलते रहेंगे? ये मामला काफी पुराना है, लेकिन कोर्ट ने अब तक इस मामले को न्याय नहीं दिया, क्योंकि सलमान खान इस मामले को रोकते आए हैं और वो कभी नहीं चाहते कि कोर्ट अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचे। अब जानना ये होगा कि 28 सितंबर को क्या होगा, क्या सलमान खान कोर्ट में पेश होंगे या नहीं। इस मामले में आगे की सुनवाई 28 सितंबर को ही होगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।